एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। क्या बोला तूने? तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन 3 अगस्त को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 पास कर दिया है। इस बिल पर बहस के दौरान सदन में कई नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस हुई। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जब सदन में बोल रही थी तो विपक्ष के नेताओं ने उन्हें बीच में टोंक दिया। इस मौके पर उन्होंने ईडी का जिक्र किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। बहस के दौरान मीनाक्षी लेखी सदन में बोल रही थी तो किसी नेता ने ईडी का जिक्र करते हुए उन्हें टोंक दिया। इस पर मीनाक्षी लेखी ने जवाब देते हुए कहा, शांत रहो, कहीं ईडी तुम्हारे घर ना आ जाए। हालांकि चेयर की तरफ से भाजपा सांसद को टोका गया। इस पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह मजाक की बात है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए सुप्रिया सिन्हे जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, इन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार में मंत्री हैं, सदन में खुली धमकी दे रही हैं कि ईडी तुम्हारे घर ना आ जाए, समाचार समाप्त। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री नेता डिसूजा भी लिखती हैं, सत्ता का घमंड है, मोदी जी की भगोड़ी मंत्री मीनाक्षी लेखी की सदन में खुली धमकी, कम से कम लोकतंत्र के मंदिर को तो बख्श दीजिए। दूसरे यूजर ने कहा कि ये वही मीनाक्षी लेखी हैं जो पहलवानों के आंदोलन पे पत्रकार द्वारा किए गए सवाल से डरकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग गई थी। देवेंद्र यादव नाम के यूजर ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार की मंत्री मीनाक्षी लेखी को देखिए, पार्लियामेंट में विपक्षी सांसदों को खुलेआम ईडी के फर्जी छापे की धमकी दे रही हैं। ये धमकी भरा बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी छापों का गलत इस्तेमाल करते हैं। दूसरे यूजर ने कहा कि मंत्री जी भागने में भी माहिर हैं। एके राठी नाम के यूजर ने लिखा कि मैं इनका उसी दिन से कायल हूं जिस दिन से उसने सवाल सुनते ही दौड़ लगाई थी। एक यूजर ने कहा कि यह तो किनारे लगा दी गई हैं मैडम, शायद अब इनके जुमलों पे कोई आकर्षण नहीं है, अभी ताज़ा ताज़ा भी हताशा की पराकाष्ठा ही है, बाकी जो करना था इनके साहब कर चुके हैं, अब खुद उनके भी हाथ पैर फूल गए हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सोचा? आप अपनी राय कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।